अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एपीएससी सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी करने जा रहे हैं। इसके पहले दो पार्ट जो है ए और बी वो मैं कर चुका हूँ, इसके वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसके वीडियो मैं न्यू वैरायटी अकेडमी पेज पर भी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो जो ज़्यादा मालूम और आपको बताया है वो उस वीडियो में है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्तसर आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे मालूम करना है सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन, सही। और थर्ड चैप्टर में भी ये हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, सही। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। अब ये मैं दोबारा लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल जीरो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी और डी एक्स, या आपके पास इस वाई स्क्वायर का आ जाएगा। और फिर इसके लिए ये टू हम पहले लिख लेंगे माइनस टू, फिर लिखूंगा डी और डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल डी और डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा जीरो, सही है। अच्छा, अब जो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर का है ये हमारे पास आएगा किस तरह आएगा, टू वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई आएगा, क्योंकि ये इसमें दो वाई है, एक वाई हमारे पास रह जाते, सही। तो ये आपके पास आएगा टू वाई और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई आ जाएगा, दो वाई है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल का इस्तेमाल होता है, सही है। यहाँ पे टू वाई, फिर दोबारा वाई की पावर टू माइनस वन हो जाता है, एक वाई बच जाता है। अब यहाँ पे ये माइनस टू में इसे बाहर इस तरह जो है ना वो लिखता हूँ और इसके ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला एक्स लिखूंगा, फिर डी और डी एक्स, फिर ये डेरिवेटिव ऑफ वाई हो जाएगा, फिर प्लस लगा दी वाई और इस दफा डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का होगा, एक्स का आ जाएगा, सही। और ये कांस्टेंट हमारे पास ही, इसका डेरिवेटिव जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। अच्छा, अब ये वाला स्टेप हम बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह लिखेंगे, आ जाएगा टू वाई, ये आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह आएगा। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये माइनस टू इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये माइनस टू इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा टू वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास वन के बराबर, तो वो वन जब वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास यही वाई आएगा, सही। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही। अच्छा, अब देखिए इसको मैं पहले भी मैं आप लोगों को ये इसको सवाल में बता रहा था कि इसी में जो हमारे पास पार्ट है, हमारे पास जो पार्ट आया है वो जो है ना ये वाला है और यहाँ पे हमारे पास ये जो आया है इसको हमने इसे अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करने का हमारे पास तरीका ये है कि यहां से ये टू जो है ये वाला पार्ट जो है ये जो अलग टर्म है ये उस तरफ चला जाएगा, सही। ये यहाँ पे इसके साथ नहीं है। अब मैं इसमें से कॉमन करूंगा एक ये टू और एक ये डीवाई और डी एक्स जो दोनों साइड पे मौजूद है, सही। ये माइनस टू वाई उस तरफ चला जाएगा तो प्लस टू वाई हो जाएगा, सही। लेकिन मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए सवाल में। तो यहाँ से ये दो में से टू मैंने कॉमन किया, यहाँ पे मेरे पास ये वाई बच जाएगा और ये भी मैं कॉमन करूंगा लास्ट पे
और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x, और देखिए ये डी वाई और डी एक्स ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और ये माइनस टू वाई आपका जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टू वाई, और वो जीरो लिखने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। सही, अब ये जो है ये वाला हिस्सा हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे मेरे पास किस तरह आएगा, ये इधर रह जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे भी आ जाएगा डिवाइड करोगा तो मेरे पास देखो ये रह जाएगा डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इक्वल, ये आपके पास आएगा टू वाई और नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा ये पार्ट टू वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा। गौर से आप सवाल को देख करें, ये डी वाई और डी एक्स बच जाएगा, यानी आपके पास आएगा डी वाई और डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा वाई डिवाइड बाई वाई माइनस सिक्स, क्योंकि टू और टू तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया वाई और ये आपके पास आया वाई। सही, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। और मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डी वाई और डी एक्स आप वाई सिंगल प्राइम भी लिख सकते हैं, वाई वाई माइनस एक्स इस तरह लिखी या इस तरह लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब दोबारा मैं इसका, ये तो हमने जो फाइंड किया ना वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन फाइंड किया, अभी हम तो सेकंड फाइंड कर रहे हैं, तो हम दोबारा जो है ना क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। सही, तो आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर, लेकिन मैंने हर वीडियो में डायरेक्ट लिखा है, इस वीडियो में मैं तो आपको एक स्ट्रिक देता कि आपको समझ आ जाए, यानी हम इस तरह लिखेंगे कि डी और डी एक्स ये आपके पास आता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा डी और डी एक्स ये आपके पास आएगा वाई, ये आपके पास आ गया वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इसके साथ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई ये आपके पास यहाँ पे जो आएगा ना ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर आएगा। सही, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप दोबारा देखिए, यहाँ पे हम दोबारा क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन रूल मैंने आपको बताया था कि लोअर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइड बाय लोअर फंक्शन होल स्क्वायर। सही, ये आपको याद होना चाहिए। सही, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लोअर फंक्शन ये है और ऊपर जो वाई है डिनोमिनेटर वो हमारा अपर फंक्शन होता है, तो आपके पास आ जाएगा ये वाई माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, फिर मेरे पास आएगा माइनस अपर फंक्शन और फिर आ जाएगा डेरिवेटिव लोअर फंक्शन डिवाइड बाई ये मेरे पास आ जाएगा लोअर फंक्शन का होल स्क्वायर। सही, लोअर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइड बाई लोअर फंक्शन होल स्क्वायर। सही, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये डी स्क्वायर बाई इसकी जगह हम वाई डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, यानी यहां पर मैं लिख लूंगा वाई डबल क्या जाएगा प्राइम। अब यहाँ पे आप सवाल को बड़े गौर से देखिए, ये आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स। सही, अच्छा
इसका मैं एक स्टेप करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। चलो ये मैं इसी तरह लिखना हो या इसी तरह हम सवाल अपने लिए थोड़ा मुख्तसर कर सकते हैं, लेकिन चलो एक स्टेप करते हैं। ये आपके पास आ गए डी वाई और डी एक्स, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई, ये आपके पास हो जाएगा डी वाई, यानी इस तरह आ जाएगा डी वाई और डी एक्स, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये फिर दोबारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास वन के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या चीज है, माइनस क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन आएगा हमारे पास, सही। और नीचे वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास इसी तरह ही आएगा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आएगा वाई डबल प्राइम इक्वल, ये भी आ जाएगा वाई माइनस एक्स, और ये हिस्सा जो है ये जो आपको नजर आ रहा है देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो माइनस सर्कल आपको किया, सही। ये हमारे पास असल में ये चीज है डी वाई और डी एक्स, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लूंगा यहाँ पे, सही। तो मेरे पास आ जाएगा इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई और नीचे आ जाएगा वाई माइनस एक्स। यहाँ पे ये देखो ये मेरे पास माइनस वाई है और ये हमारे पास क्या चीज है, इसकी जगह भी यही पुट कर लूंगा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा y फिर डिवाइड y माइनस एक्स और यहाँ पे ये वन आ जाएगा, और नीचे इसका हमारे पास क्या चीज है, ये है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप शायद नीचे वाला हिस्सा आपको नजर जो है नहीं आएगा, मैं इस अभी हम आगे जो मजीद सवाल रहते हैं ये करते हैं। ये इस पे आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास है जो y माइनस एक्स और ये y माइनस एक्स, ये आपस में कट जाएगा, सही। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा y डबल प्राइम इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है y, फिर यहाँ पे ये देखिए ये माइनस वाई इस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये माइनस और माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। तो लेकिन इसका ये एक टर्म अपना हमारा मुकम्मल हो जाएगा, इसके नीचे हम लिखेंगे वाई माइनस एक्स, सही, और फिर ये वाई उसके साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस है और ये माइनस प्लस, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, सही। और नीचे आपके पास क्या रह गया वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इससे बाहर, अगर मैं इसको थोड़े इस साइड पे लिखो और यहाँ पे इसको मैं बट पे लिखो, देखो इसी तरह मैं इसको वाई माइनस एक्स ये मैं यहाँ पे भी इस तरह भी लिख सकता हूँ, सही, ये स्क्वायर है। अब ये मेरे पास आ जाएगा वाई डबल प्राइम इक्वल वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ का मैं एलसीएम निकालूंगा, क्या निकालूंगा एलसीएम, एलसीएम इसका क्या होता है वाई माइनस एक्स। अब ये वाई माइनस एक्स यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये y माइनस एक्स आप इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये y जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो y और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही y इसके साथ तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम हमारे पास आया है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सही। यहाँ पे देखो ये माइनस आ जाएगा, ये आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा,
अब यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का ये सेम है, ये वाई माइनस एक्स, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे जो इस तरह लिखूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर ही रहेगा, सही। अब अगली बार क्या करूंगा, ये वाला टर्म इसके साथ भी वाई मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब ये वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और यही वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई आएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी इस मेरी बात की। अब दोबारा हमारे पास ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम इक्वल, ये आप इसी तरह लिखिए वाई माइनस एक्स, ये आपके पास होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास है प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है ना ये यहाँ पे ये हो जाएंगे बचेंगे, हमारे पास आएगा एक ये वाई स्क्वायर और एक हमारे पास माइनस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई, यानी माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या है हमारे पास वाई माइनस एक्स है। उम्मीद है आपको यहां तक भी समझ आई होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप देखो ये वाला हिस्सा देखिए, हर सवाल में हमने कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको आप देखिए, और हमारे पास जो ओरिजिनल ओरिजिनल क्वेश्चन है इसलिए मैंने रेज नहीं किया, सही, ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सही है। तो जब वैल्यू पुट करोगे ये y प्राइम तो इसी तरह आएगा, देखिए y प्राइम इक्वल ये भी इस तरह आएगा y, और यह आ जाएगा आपके पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, सही। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या है जीरो है, तो ये आपके पास आ गया जीरो, और नीचे क्या लिखा हुआ है वाई माइनस एक्स। अभी आप देखिए ये हमारे पास जीरो है, तो ये दोनों जब किसी भी इसका डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर जीरो हो तो जवाब तो जीरो आ जाता है, फॉर एग्जांपल जीरो डिवाइड बाई थ्री तो जवाब कितना आएगा जीरो आएगा, जीरो डिवाइड बाई हंड्रेड जवाब कितना आएगा जीरो आएगा, तो जब ये जीरो हो गई है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो के साथ फिर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो y प्राइम का आंसर है वो हमारे पास जीरो है, सही। तो इसमें मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जब आपको अगर एमसीक्यूज में इस किस्म का सवाल आ गया कि y स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जीरो y स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखा हो लेकिन अगर आपका राइट साइड पे जीरो हो और आपको ए बी सी पार्ट में कोई ऑप्शन दिया हो उसमें आपको ये जीरो मिल जाए तो आपने हमेशा y डबल प्राइम या लिखा होगा कि डी स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का जो है बराबर है तो हमारे पास जीरो का बराबर होगा, सही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, आप वीडियो लाइक भी करें कमेंट्स भी किया करें अगर कोई ऐसी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, और शेयर भी किया करें क्योंकि बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरों को फ़ायदा पहुंचे, हमें चाहिए कि हम दूसरों को फ़ायदा जो है ना दे दें, सही। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ओके, थैंक यू सो मच।